Good morning students, today we are going to start with chapter number 4, that is directions and maps. Which chapter we are going to start today? Directions and maps. Okay, now see, try this. आपको ये try करना है. क्या try करना है आपको? Stand in two equal rows in the classroom facing each other. अभी आपको क्या करना है, अगर आप लोग क्लासरूम में हो, ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्लासरूम में हो तो आपको है ना एक दूसरे को फेस करके रुकना है. देखो जहाँ जैसे यहाँ पे रुके हैं बच्चे. ओके, नाउ टेल अस, नाउ टेल द गर्ल एंड बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको एक दूसरे को क्या करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं. तो क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ऑन विच साइड ऑफ यू इज द ब्लैक बोर्ड. आपको पूछना है कि कौन से साइड में ब्लैक बोर्ड है. तो हम क्या आंसर देते हैं कि मेरे राइट साइड में है. राइट, हम बोलते ना राइट लेफ्ट, हम ऐसे बोलते ना कि ये साइड में है, ये बाजू में है, राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में है. तो वैसे आपको आंसर देना है कि ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है. ऑन विच साइड ऑफ यू इज द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम का डोर कौन से साइड में है. ऑन विच साइड ऑफ यू इज द टीचर्स टेबल. टीचर्स का टेबल कौन से साइड में है, हम देना राइट साइड में है. Your answers and the answers of the girl or boy in front of you are different. अगर आप देखोगे तो answers जो आपके सामने रुके हुए girl या फिर boy ने दिए है वो अलग अलग होते हैं. Aren't they? Why is it so? If the blackboard is to your right, it will be to the left of the girl or boy standing in front of you. अगर आपने answer दिया होगा कि मेरे right side में है, अगर suppose अगर इस लड़के ने इस लड़की को पूछा है, इफ़ दिस बॉय आस्क टू दिस गर्ल दैट कि ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में, तो वो क्या बोलेगी, ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में. देखो उसका हैंड राइट हैंड साइड में है. ओके, राइट हैंड साइड में उसके ब्लैक बोर्ड है. अगर उस लड़की ने उस लड़के को पूछा कि बाबा ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है, तुम बताओ, तो वो क्या बोलेगा कि उसके ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है. तो वो क्या बोलेगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में. उसने आंसर क्या दिया था, राइट, और इसने क्या दिया है, लेफ्ट. ओके, इफ द ब्लैक बोर्ड इज टू योर राइट, इट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल और बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड यू, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द गर्ल और बॉय फेसिंग टू यू. अगर ब्लैक बोर्ड पीछे की साइड है तो ये लड़की क्या बोलेगी कि मेरे सामने है ब्लैक बोर्ड, और ये क्या बोलेगा कि मेरे तो पीछे है ब्लैक बोर्ड. ओके, इस तरह से. इन द सेम वे योर आंसर्स अबाउट द मेन डोर एंड द टीचर्स टेबल विल ऑल्सो बी डिफरेंट. इस तरह से आप दोनों के आंसर्स भी अलग अलग होते फ्रॉम दोज ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आंसर्स लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड. Therefore, in order to tell exactly where an object is located, we use directions. अगर हमें directions पता ही ना होते तो हम कैसे answers देते. अगर हमें किसी ने पूछा कि कौन से side में, अगर हमें पता ही नहीं हम क्या क्या नाम से उसे बोलना है तो वो बहुत difficult होता. इसलिए हमने क्या बोला, right, left, front, behind, आगे पीछे, right? Now see next. देखो यहाँ पे आपको कुछ बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर को ऑब्जर्व करो बस आप. यहाँ पे भी देखो गर्ल्स बॉयज है, टीचर है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है. यहाँ पे देखो इंडिया का मैप दिया है, राइट, यहाँ पे मैप है इंडिया का. यहाँ पे डायरेक्शंस लिखे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ओके, वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट, और यहाँ पे कौन सी है, ईस्ट. देखो यहाँ पे ईस्ट लिखा है, मतलब वेस्ट कहाँ पे होगा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा, पीछे के साइड मतलब साउथ. ओके, तो आपको क्या देखो क्या है यहाँ पे. नाउ वी विल यूज़ द डायरेक्शंस टू फाइंड द आंसर्स टू द सेम क्वेश्चंस. ओके, पहले उन्होंने क्या बोला था, राइट लेफ्ट ऐसे बोला था, अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस बोलेंगे. ओके, डायरेक्शंस मीन्स क्या होते हैं, जैसे कि हम राइट लेफ्ट आगे पीछे ऐसे बोलते हैं ना, उसकी जगह पे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ओके, फॉर एग्जांपल
देखो ऐसे चार डायरेक्शंस होते हैं, राइट। अभी ये मेरा राइट हैंड साइड है इसलिए मैं इसे राइट बोलूँगी, ये मेरा लेफ्ट साइड है इसलिए मैं लेफ्ट, फ्रंट और बैक, राइट। तो इस जगह पे हम क्या बोलेंगे उससे बेहतर कि वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ, ओके। इस तरह से ये नाम देने से बेहतर है हम ये नेम्स बोलेंगे, ओके। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट एंड ईस्ट, ओके। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। इस तरह से आपको नाम देना है। नाउ ये क्या हुए, ये क्या हुए डायरेक्शंस, ये क्या हुए डायरेक्शंस, क्या हुए ये डायरेक्शंस, ओके। नाउ विथ योर टीचर्स हेल्प राइट द नेम्स ऑफ द फोर मेन डायरेक्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, क्लासरूम में फोर मेन डायरेक्शंस के नेम लिखने हैं। कौन से फोर मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये क्या है फोर मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसे कि यहाँ पे टीचर ने लिखा है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और पीछे के साइड कौन सा होता है साउथ। नाउ स्टैंड फेसिंग ईच अदर अगेन, फिर से आपको एक दूसरे के सामने रुकना है। टेल ईच अदर द डायरेक्शन इन विच द ब्लैक बोर्ड, मेन डोर एंड द टीचर्स टेबल आर लोकेटेड। अभी आपको फिर से क्वेश्चंस पूछना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हम क्या बोलेंगे अभी डायरेक्शंस का नाम लेंगे। देखो ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है, वेस्ट साइड में, राइट। ये वेस्ट है और ब्लैक बोर्ड देखो नीचे है वेस्ट के, राइट, इसलिए वेस्ट में। मेन डोर, मेन डोर कहाँ पे है, मेन डोर देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मेन डोर, तो वो कौन से साइड में हुआ नॉर्थ, कौन से साइड में हुआ नॉर्थ। और टीचर का टेबल कहाँ पे है, देखो ये साइड में है टीचर्स का टेबल, तो ये कौन सी साइड हुई वेस्ट, कौन सी साइड हुई वेस्ट। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। नाउ योर आंसर्स एंड द आंसर्स ऑफ द गर्ल और बॉय फेसिंग यू विल बी सेम। अभी जो आंसर्स हम एक दूसरे को पूछेंगे वो सेम होंगे, राइट। डायरेक्शंस कैन बी यूज टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, इसीलिए हम ये डायरेक्शंस को नेम देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम दोनों के आंसर्स क्या होंगे वो सेम ही आएंगे, लेकिन हम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आगे पीछे ऐसे बोलेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन हम अगर डायरेक्शंस के नेम से बोलेंगे कि नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, तो सबके आंसर्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, ओके। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस। अभी हम सीखेंगे कि डायरेक्शंस हमको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द फोर मेन डायरेक्शंस आर, ये याद रखने हैं आपको, फोर मेन डायरेक्शंस कौन से हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ओके। सी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये फोर मेन डायरेक्शंस है। हाउ डू वी फाइंड देम, अभी हम आप सोचेंगे कि बाबा हमको कैसे पता चलेगा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, या ये नॉर्थ है, या साउथ है, टीचर हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, देखो द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज द ईस्ट, ये याद रखो, जहाँ से सनराइज होता है। देखो ये लड़का रुका है, आप लोग भी ऐसे रुक सकते हो, वो सनराइज देखो हो रहा है, तो जहाँ से सन राइज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स, और जिस डायरेक्शन में सन सेट होता है, मीन्स सन सनसेट हो रहा है, सन नीचे जा रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट। समझ में आया दो डायरेक्शंस कौन से, ईस्ट और वेस्ट। जिस डायरेक्शन में सन राइज हो रहा है, सन का सन हम बोलते हैं ना सूर्य उगौते है, उसे बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, और जिसमें सनसेट हो रहा है उसे बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट, और ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होते, देखो आमने सामने होते एक दूसरे के, ईस्ट और वेस्ट, दिख रहा है आपको ईस्ट और वेस्ट। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर हम ईस्ट के सामने रुक रहे हैं, फेस उसके सामने कर रहे हैं, द वेस्ट इज बिहाइंड अस, तो वेस्ट साइड कहाँ हुई हमारे पीछे। एट दैट टाइम द नॉर्थ इज टू आवर लेफ्ट, तो उस समय क्या होता है नॉर्थ साइड हमारे
कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड में। कहाँ पे होती है? देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट। ये लड़के का लेफ्ट कौन सा है? ये साइड। तो वो कौन सा हुआ? नॉर्थ साइड। और उसका राइट कौन सा है? ये। एंड द साउथ इज़ टू आवर राइट। तो साउथ कहाँ पे हुआ? उसका राइट साइड में। देखो समझ में आ रहा है आपको? जहाँ पे सन राइज होगा वो आपकी कौन सी साइड होगी? ईस्ट साइड। जहाँ पे सन सेट होगा वो आपकी कौन सी साइड होगी? वेस्ट साइड। और अगर आप वैसे ही रुकेंगे तो क्या होगा? जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो कौन सी साइड होगी? नॉर्थ साइड। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड कौन सी साइड में होगा? नॉर्थ साइड में। और उस आपका राइट हैंड कहाँ पे होगा? साउथ साइड में। ओके, ट्राई दिस एक्टिविटी इन एन ओपन एट सनराइज, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस बेटर। ये एक्टिविटी अगर आप खुद खड़े होके करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। नाउ फ्रेम दिस। देखो क्या है, अ लार्ज फ्रेम इज गिविन बिलो। एक फ्रेम दी है देखो नीचे आपको। योर हाउस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम, ये आपका घर है। ओके, द फ्रेम हैज़ अ येलो स्ट्रिप ऑन ईच ऑफ इट्स फोर साइड राइटिंग द डायरेक्शन। अभी ये चार साइड्स में येलो कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको। ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डज द सनराइज, तो आपको क्या करना है? आपको आपके घर से देखना है कि कौन से साइड में सनराइज हो रहा है। वहाँ पे आपको लिखना है ईस्ट। ये जो स्ट्रिप दी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रुके हो, ये आपका घर है, आप यहाँ पे रुके हो, अगर सनराइज यहाँ से हो रहा है तो आपको यहाँ पे ईस्ट लिखना है। अगर सनराइज यहाँ से हो रहा है तो आपको यहाँ पे ईस्ट लिखना है। ओके, और वो भी ये येलो स्ट्रिप में। इन द स्ट्रिप ऑन द साइड अपोजिट टू ईस्ट राइट वेस्ट। और एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ईस्ट लिखा है तो उसके अपोजिट साइड में आपको वेस्ट लिखना है। ओके, उसके अपोजिट साइड में आपको वेस्ट लिखना है। नॉर्थ एंड साउथ विल बी रिटन इन द रिमेनिंग टू स्ट्रिप्स। और जहाँ पे आपका लेफ्ट है वहाँ पे आप नॉर्थ लिखोगे, और जहाँ पे आपका राइट है वहाँ पे आप साउथ, ये आपको लिखना है। विल बी रिटन इन द रिमेनिंग टू स्ट्रिप्स, तो खाली दो स्ट्रिप्स में आपको नॉर्थ साउथ लिखना है। थिंक केयरफुली वेयर दे वुड बी एंड राइट डाउन द वर्ड्स इन द प्रॉपर स्ट्रिप्स। और ये एक्सपेरिमेंट करते हुए ध्यान से आपको देखना है कि सनराइज कहाँ से हो रहा है, वहाँ पे आपको ईस्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रुके हो, यहाँ पे हो, और सनराइज यहाँ से हो रहा है तो आपको यहाँ पे ईस्ट लिखना है। सनराइज यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पे ईस्ट लिखना है। अगर यहाँ ईस्ट लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वेस्ट। और नॉर्थ साउथ। ओके, इस तरह से आपको ये फ्रेम कंप्लीट करनी है। इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस। ये आप लोग फ्रेम में अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। नेबर्स का हाउस आपके कौन से साइड में, वहाँ आपको उनका घर बनाना है। शॉप नियर योर हाउस, अगर आपके घर के सामने कोई दुकान है तो वो कौन से साइड में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कौन से साइड में, वहाँ पे आपको एक शॉप बनानी है। एक ट्री बनानी है अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई ट्री हो तो। रोड, अगर रोड हो कहाँ आस पास तो। बस स्टॉप, अगर बस स्टॉप हो तो आप बस स्टॉप भी बना सकते हो। नाउ सी व्हाट योर नेबरहुड लुक्स लाइक, तो इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो डायरेक्शंस के हिसाब से। ओके, ये आपको एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, जिस वजह से आपको भी समझ में आएगा डायरेक्शंस कैसे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।